दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लैपटॉप्स के बारे में जो कि आपको सेल के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पे अभी सेल नज़दीक में आ रही है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और या फिर जो बिग बिलियन डे सेल है, इसमें जो भी लैपटॉप्स के दाम कम होने वाले हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और हम ये जो वीडियो है वो बेसिकली 30 से 35 हज़ार के बीच में जो बजट है आपका, उसके बीच में अगर आपको कोई लैपटॉप लेना है तो वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ पूरे अच्छे तरीके से कि ये जो सेल है इसमें आपको डिस्काउंट तो देखने को मिलेगा ही 3-4 हज़ार जो भी होना है, लेकिन इसके साथ आपको जो क्रेडिट कार्ड है SBI का उससे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, लगभग 1-2 हज़ार का उससे भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें जो लैपटॉप्स मैंने इंक्लूड किए हैं उसमें आपको मतलब 8 GB रैम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 4 GB रैम आपको देखने को मिल जाएंगे। i3 मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है और Ryzen 5 भी देखने को मिल सकते हैं, Ryzen 3 भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन i5 10th जनरेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि 30-35 हज़ार के बजट में उतनी सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन जो रैम है ये जो 4 GB आपको मिलेगा उसको आप यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और SSD को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया क्योंकि SSD आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लैपटॉप को फास्ट होने के लिए। आप जल्दी जल्दी अगर काम करना चाहते हैं तो SSD मस्ट है यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 30 से 35 हज़ार के बीच में कुछ लैपटॉप्स को सिलेक्ट किए हैं Amazon और Flipkart से, जो कि सेल के दौरान आपको 30 से 35 हज़ार रुपये के देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे Amazon के लैपटॉप के बारे में। तो Amazon पे मैंने यहाँ पे कुछ लैपटॉप को सिलेक्ट करके रखा है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है यहाँ पे Avita पूरा कंपनी की तरफ से नई कंपनी है यहाँ पे, और इसमें आपको यहाँ पे i3 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, 4 GB रैम है यहाँ पे, 256 GB SSD है जिसको आप यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। 33,000 अभी इसका रेट है, लेकिन ये आपको 30,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएंगी सेल के दौरान, या फिर 31 हो सकती है, इससे यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैपटॉप आता है वो भी इसी कंपनी का, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें जो है वो आपको यहाँ पे Ryzen के प्रोसेसर मिलता है, Ryzen 3rd जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, 4 GB की यहाँ पे रैम है और 256 GB की SSD भी है, Full HD+ रिजोल्यूशन है। तो इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं अगर आपकी बजट 30,000 से नीचे है, नहीं तो अभी जो मैंने आपको पहले बताया उसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है यहाँ पे Lenovo की तरफ से IdeaPad, जिसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लैपटॉप है। और ये जो लैपटॉप है इसका पूरा नाम है Lenovo IdeaPad Slim 3i-Core i5 10th जनरेशन के साथ आता है, 4 GB रैम 1 TB हार्ड डिस्क के साथ आता है, SSD यहाँ पर नहीं मिलती है, लेकिन आपको अलग से यहाँ पे स्लॉट है तो जिससे आप यहाँ पे स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 33,000 इसकी रेट है, लेकिन आपको ये 30,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है यहाँ पे Asus की तरफ से VivoBook, जो कि मेरा फेवरेट लैपटॉप है, VivoBook 14 Ryzen 3 के साथ आता है, और यहाँ पर जो है वो आपको 4 GB की रैम मिलती है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, और SSD आप अलग से यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, तो नहीं तो ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है इस रेट के हिसाब से, और इसकी जो रेट है वो सेल के दौरान और भी कम देखने को मिल जाएंगी, तो इसको भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है यहाँ पे HP की तरफ से 15DB, ये भी लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, Ryzen 3 के साथ आता है, 3rd जनरेशन है, 4 GB की रैम है यहाँ पे, 1 TB की हार्ड डिस्क है, SSD आप अलग से लगा सकते हैं, स्लॉट यहाँ पे दिया गया हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। 35,000 इसकी रेट है, लेकिन 31-32 तक ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट लैपटॉप आता है वो है यहाँ पे Acer की तरफ से Acer Aspire 3, ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, बेजल्स काफ़ी कम मिलते हैं, काफ़ी पतले हैं, थीन है, 1.9 kg के ऊपर मिलता है, i3 10th जनरेशन के ऊपर देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, 4 GB रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, और SSD आप अलग से लगा सकते हैं। 33,000 इसकी रेट है, लेकिन ये आपको यहाँ पे 30 या फिर 31,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप आता है वो है यहाँ पे Lenovo की तरफ से IdeaPad, जो भी काफ़ी सही लैपटॉप है, मैंने इसे अपने दोस्तों रिकमेंड भी किया था, उसने ख़रीदा भी था, काफ़ी सही है, लेकिन जो प्लास्टिक है वो काफ़ी चीप क्वालिटी की है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। Ryzen 3 के साथ आता है, 3rd जनरेशन Full HD+ रिजोल्यूशन का डिस्प्ले है यहाँ पे, 4 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, और SSD आप अलग से लगा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इसकी जो रेट है वो भी आपको 30,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये जितने भी लैपटॉप्स थे यहाँ पे Amazon पे, इसकी सेल के दौरान रेट जो है वो 30, 31, 32 इससे ऊपर नहीं जा सकती है, ये जो इसका रेट आने वाला है, और ऊपर से अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो और भी कम देखने को मिल सकती है। तो ये जितने भी लैपटॉप्स थे ये Amazon की तरफ से थे। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं Flipkart के लैपटॉप्स की। तो यहाँ पे भाई मैंने चूज़ करके रखा है Flipkart के लैपटॉप्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है यहाँ पे HP का 14S i3 10th
सिलेक्शन के साथ आता है। 8 GB रैम में 256 GB की SSD मिलती है और इसकी जो रेट है वो अभी थोड़ी सी ज़्यादा है, 3 या फिर 34 के अप्रोक्स में देखने को मिल सकती है। अप्लाई करते हैं SBI का तो और भी कम देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है यहाँ पर डेल का इंस्पायरन। बेजल थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन i3 10th जनरेशन के साथ आता है। 4 GB रैम में 256 GB SSD भी है तो आपको SSD अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसको भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है यहाँ पर एविटा रिवर को i5 8th जनरेशन के साथ आता है। 8 GB रैम है और 256 GB की SSD है, तो इसको भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक ब्रांड है वो नई ब्रांड है तो इसके पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर आपको चाहिए, अगर आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। 33 या फिर 34 के अप्रोक्स इसकी रेट आ जाएगी इस सेल के दौरान। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है यहाँ पे Acer का Aspire 5 i3 10th जनरेशन के साथ आता है। इसकी जो रेट है वो अभी ज़्यादा है, 4 GB रैम और 32 GB ऑप्टन मेमोरी के साथ आता है, 512 GB की SSD है। इसकी जो रेट है वो 34 या फिर 33 के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएंगे सेल के दौरान, तो इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है यहाँ पे HP का 15Q। ये भी अच्छा लैपटॉप है, मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को यहाँ पे रिकमेंड किया था, उसने ख़रीदा भी था, कोई दिक्कत नहीं है इस लैपटॉप में। हालांकि थोड़ा सा पुराना मॉडल जैसा दिखने में लगता है लेकिन लैपटॉप जो है वो काफ़ी सही है। ये जो लैपटॉप है वो आपको i3 8th जनरेशन के साथ आता है और 8 GB की रैम मिलती है यहाँ पे। जो मैंने आपको बताया था पहले वो 4 GB के साथ था लेकिन ये 8 GB है, 256 GB की SSD भी है, तो इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जितने भी पोर्ट्स है वो आपको देखने को मिल जाती है, इसमें आपको रिलेटेड कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली, तो इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ये अगर आपको 32 या फिर 33 के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएंगे सेल के दौरान। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है यहाँ पे Asus का VivoBook 14 जो कि मेरा फेवरेट है, i3 10th जनरेशन के साथ आता है। 4 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज है, तो इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। 256 GB की SSD है यहाँ पे और ये आपको 34 to 35,000 अप्रोक्स देखने को मिल जाएंगे। जो लैपटॉप है वो है यहाँ पे डेल का वोस्ट्रो i3 10th जनरेशन के साथ आता है। 4 GB रैम है और 256 GB का स्टोरेज है, तो इसको भी आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। 32,000 रुपीज़ इसकी रेट आ सकती है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी देखा था इसे, तो इसको भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो मेरा फेवरेट है, वो भी है HP का 15S i3 10th जनरेशन के साथ आता है। 4 GB रैम है, 512 GB की SSD है, इसको आप यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो ये लैपटॉप भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और सेल के दौरान इसकी जो रेट है वो आपको 33,000 या फिर 34,000 इतना जा सकता है, इससे कम नहीं जाएगा, तो इसको भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो भी यहाँ पर 15S ही है, लेकिन ये जो है डुअल कोर प्रोसेसर है, तो इसके साथ मैं आपको नहीं कहूँगा ये थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ वाली बात हो जाएगी। तो अगर 30,000 से नीचे आपकी बजट है यानी 25-24,000, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे उतना में, तो इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है अविता पूरा Ryzen 5 के साथ आता है। 3rd जनरेशन का 8 GB रैम, 512 GB SSD है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। 30,000 रुपीज़ इसकी रेट आ सकती है। तो जितने भी लैपटॉप्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, अगर आपको ये लैपटॉप पसंद आते हैं तो आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं। ये जो वीडियो था वो था यहाँ पे 30,000 से 35,000 के बीच। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो होगा यहाँ पे 35 to 45, यानी 35 से 45,000 के बीच में जो भी लैपटॉप्स है वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसे भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है वो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको और भी देखने को मिलती रहे।